आज हमारे किचन में बन रहा है मटन शोरबा। आप इसको ज़रूर बनाकर ट्राई करें और वीडियो को पूरा देखें, इंशाल्लाह ताला लाइक करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। एवरीवन, कैसे आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। शेफ एंड स्टाफ में आपको वेलकम। तो आज हम बना रहे हैं मटन ग्रेवी, मटन शोरबे वाला, बहुत मज़े का। तो आप देखी जाए मैं क्या क्या चीज़ें इसमें डालती हूँ। मटन लिया मैंने 1 kg, 2 मैंने प्याज लिए हैं नॉर्मल साइज़ के, 2 मैंने टमाटर लिए हैं, इनके बीज और छिलके उतार के मैंने इनको कट कर लिया। तो अगला हम प्रोसेस अभी जी। तो हमने सबसे पहले मटन जो है वो प्रेशर में डालना है और इसके साथ ही हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। ये प्याज टमाटर जो हमने लिए हैं वो डाल देने हैं। हाँ जी, गोश्त और प्याज टमाटर डाल दिए। अब हम डालेंगे इसमें 1 teaspoon साबुत चिली पाउडर, जिसको चिली फ्लेक्स भी कहते हैं। 1 teaspoon हम डालेंगे इसके अंदर रेड चिली पाउडर। 1 teaspoon डालेंगे हम इसमें ज़ीरा पाउडर। 1 teaspoon डालेंगे हम इसके अंदर, सॉरी 2 teaspoon डालेंगे हम इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर। 1 teaspoon डालेंगे हम इसके अंदर सॉल्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो डालेंगे हम 1 tablespoon। ये सारी चीज़ों को हम चढ़ा देंगे। 15 मिनट का हम वेट लगाएंगे। चूल्हे को मैं कर देती हूँ ऑन। 500 ml जो है वो मैंने पानी डाला, तो हम वेट लगा देंगे। 15 मिनट के बाद जो है हम इसको चेक करेंगे। ऑयल हम अभी बाद में डालेंगे। सॉरी जी, 1/2 teaspoon हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर, ये मैं भूल गई थी। अब हम इसको वेट लगा देते हैं जी। तो प्रेशर कुकर को हमने खोल दिया। ये 15 मिनट पे मैंने गोश्त को लगाया था, गोश्त काफ़ी हद तक गल चुका है, थोड़ा सा पानी रह गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे 250 ml हम इसके अंदर डालेंगे ओलिव ऑयल और इसको हम भूनेंगे अब इसी पानी में। तो इसको हम भूनते हैं तकरीबन 5 से 7 मिनट, फिर उसके बाद जब पानी इसका ड्राई होगा तो हम इसको प्रॉपरली भूनेंगे। जी, तो गोश्त हमारा बड़ा मज़े का भून रहा है। देखिए पानी ड्राई हो रहा है, ऑयल हल्का हल्का निकल रहा है। इसको हमने प्रॉपरली भून लेना है, इसकी बिल्कुल तरी जो है वो बाहर आ जाए, इसका ऑयल बाहर आ जाए, फिर इसके अंदर हम पानी डालेंगे। अभी हम इसको भूनते जाएंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो आप इसको ज़रूर बनाकर ट्राई करेंगे। ये तो ऑयल निकलना शुरू हो गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। देखें, इसको हमने 5 से 7 मिनट और भूनना है ताकि ये बिल्कुल भून जाए और गोश्त भी प्रॉपरली गल जाए। तो देखिए कितना ज़बरदस्त है, ऑयल निकलना शुरू हो गया। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको पता लगे, क्योंकि दरमियान में जब आप छोड़ दो तो फिर वो पता नहीं लगता कि कौन सा स्टेप जो है वो रह गया। तो वीडियो को पूरा देखकर आप इसको फॉलो किया करें, आप इंशाल्लाह ताला बहुत लाइक करेंगे और बहुत मज़े की चीज़ें बनेंगी। देखिए जी, हमारा मटन शोरबा बहुत मज़े का रेडी हो रहा है। सिर्फ 1 मिनट हम इसको और भूनेंगे। ये देखिए मसाला हमारा बिल्कुल ज़बरदस्त, इसका कलर भी चेंज हो गया, गोश्त भी हो गया और ऑयल भी सारा निकल आया। तो 1 मिनट हम इसको और भूनेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो इसके अंदर हम पानी डालेंगे 400 ml। बहुत ज़्यादा हमने इसको शोरबा नहीं करना है। 400 ml हम इसमें पानी डाला हमने और इसको जैसे बॉयल होता है 1-2 दफ़ा तो हम इसको बंद कर देंगे। ये 5 के करीब मैंने ग्रीन चिलीज ली हैं, ये भी हम अंदर डाल देंगे और इसको हम हल्की आंच पे 5 से 7 मिनट पकाते हैं। ये तो 7 मिनट हो गए, अब हम चूल्हे को कर देते हैं बंद और इसको ढक्कन दे के हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसके ऊपर पूरा ऑयल आ जाए, फिर हम डिश आउट करके आपको दिखाएंगे। जी, तो ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है, अब हम इसको आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हमारा मटन शोरबा बना। जी, तो हमारा मटन शोरबा रेडी है। इसके ऊपर हम डालेंगे गरम मसाला, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, आप इसको ज़रूर बनाकर ट्राई करें। आपके घर वाले आप सब बहुत लाइक करेंगे। इस तरह से गरम मसाला डाल दें ऊपर और
इसको ज़रूर बनाएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।